आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल जो दिया हुआ है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में बनाया गया, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये मेरा एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और इसमें एक आयत बनाया गया है। ये मान लीजिए कि आयत है, ठीक है, आयत का एक भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या मान लीजिए वो इसका एक केंद्र है वृत्त का, ABCD, ये आयत है, एक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। हम क्या जानते हैं, आयत का जो चारों भुजा कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये जो भुजा है, जो विकर्ण है वृत्त का, ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, क्योंकि केंद्र से जो वृत्त पे कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो उससे ये BD जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया, और ये R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या क्या दिया हुआ है, R बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, उससे ये BD बराबर क्या हो जाएगा, 2R बराबर हो जाएगा, तो 2×2.5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक भुजा पता, दूसरा भुजा इसमें निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। इससे क्या आ जाएगा, AB का वर्ग बराबर आ जाएगा, AB का वर्ग जोड़ AD का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, BD के वर्ग के। तो हमें AB पता है, BD पता है, तो AD निकल जाएगा, AD का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, BD का वर्ग माइनस AB का वर्ग, ठीक है। AD बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा अंडर रूट BD का वर्ग माइनस AB का वर्ग, बराबर क्या आ जाएगा, BD कितना दिया हुआ है, BD दिया 5, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25, माइनस AB का वर्ग, AB कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16, बराबर क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का हमें दोनों भुजा पता होगा, चारों भुजा, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 4, और चौड़ाई कितना दिया 3, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।